ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा रोज़ का प्लांट और देसी गुलाब है ये। और देसी रोज में ये देखिए पूरी ब्रांच आप देखेंगे पूरी फंगस से भर चुकी है। ढेर सारा फंगस इस पर लग चुका है और प्लांट ख़राब होने की कगार पे है। दोस्तों इस प्लांट को हमें बचाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास इस तरह के या फिर कुछ प्लांट हमारे फेवरेट होते हैं जो हम नहीं चाहते कि ये प्लांट हम अपने गार्डन से हटाएं, तो कुछ ट्रीटमेंट के साथ ये प्लांट जो है ठीक हो जाते हैं। दोस्तों पूरे ऑर्गेनिक चीज़ों से मैं आपको इस प्लांट को ठीक करना बताऊंगी। और देखिए थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को ठीक होने में, लेकिन जो ऑर्गेनिक चीज़ें लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी जो है प्लांट हमारा एकदम ठीक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से सूखी पत्तियाँ सारी प्लांट से हटा देनी है, जो अदर प्लांट लगे हैं उसको भी हटाना है। उसके बाद क्या करना है, प्लांट को एकदम से गंजा कर देना है, मतलब एक भी ब्रांच एक भी पत्ती हमें प्लांट पर नहीं रखनी है, सिर्फ जड़ों से 1 इंच इतनी जो है कुछ कटिंग हमें छोड़ देनी है, क्योंकि फंगस पूरे प्लांट पर लग चुका है तो जड़ों तक ना फैले इसके लिए हमें यह ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्लांट की अच्छे से डीप प्रूनिंग कर देंगे, एकदम से प्लांट को जो ब्रांच को हटा देंगे, तो उससे क्या होगा, जो नई ग्रोथ होगी वो बहुत ही हेल्दी होगी और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो थोड़ी सी मेहनत है दोस्तों और हम अपना प्लांट जो है ठीक कर सकते हैं। ये देखिए एकदम से मैंने डीप प्रूनिंग कर दी है। फंगस लगने के कई कारण होते हैं, क्योंकि जो है हम वाटर जो पानी देते हैं अगर वो ठहर जाता है, या फिर विंटर में जो है पानी की कम ज़रूरत होती है और हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा खाद वगैरह भी हमारे देने में आ जाती है, तो फंगस लगने के कच्ची खाद भी हो जाती है, तो फंगस लगने के कई कारण होते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट आप देखेंगे दोस्तों एकदम से सादा सरल सिंपल और सस्ता है। तो ये देखिए पूरी पत्तियाँ मैंने हटा दी है, सोयल को एकदम से मैंने साफ़ कर दिया है। ये चीज़ें भी फंगस का कारण बन सकती है। अब क्या करना है, हमें अपने प्लांटर की गुड़ाई कर देनी है, मिट्टी को उथल पुथल कर देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। प्लांट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो प्लांट ठीक कैसे होगा। अगर हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो हम एकदम से घबराहट होने लग जाती है, वैसे ही प्लांट के साथ होता है। तो या तो फिर इसमें जड़ें ज़्यादा फैल चुकी है, जिससे जो है पानी ड्रेनेज से बाहर ढंग से नहीं आ रहा है, कुछ भी कारण हो सकता है। वैसे आज ही मैंने इस प्लांट को जो है पानी दिया था, इसलिए मिट्टी भी गीली है। ये देखिए दोस्तों, अब मिट्टी को हम बाहर निकाल देंगे। दोस्तों वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि प्लांट किस तरह से ठीक होते हैं। एक जो छोटी छोटी प्रोसेस होती है तो वो बीच बीच में हम मिस कर जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत जल्दी मैं इसका रिजल्ट भी दिखाऊँगी। साथ में मैं नहीं दिखाने वाली हूँ, क्योंकि दोस्तों थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और अगर प्लांट आज आपके ख़राब हो रहे हैं और मैं रिजल्ट सही दिखाऊंगी अगर आपको 15 दिन बाद, तो आपके तो प्लांट पूरे ख़त्म हो जाने हैं। तो इसलिए दोस्तों मेरे साथ साथ आपके भी प्लांट अगर ख़राब हो रहा है तो इस तरह से आप ठीक कर सकते हैं। अच्छी खासी गुड़ाई कर देना है, ये ध्यान रखना है जड़ें बिल्कुल भी जो है डैमेज ना हो पाए, क्योंकि जड़ें डैमेज हो जाती है ना तो प्लांट को वापस से ग्रोथ पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों, मिट्टी एकदम से पोरस है। जब भी मैं गुलाब के प्लांट की मिट्टी बनाती हूँ तो अच्छी खासी गोबर खाद और उसके साथ ही मैं इसमें रेत ज़रूर मिला देती हूँ, जिससे क्या होता है कि रोज़ के प्लांट को पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन दोस्तों समर आ रहा है और समर में तो अच्छा खासे पानी की ज़रूरत होती है। मैंने तो क्या करा है, पूरा गमला ही खाली कर लिया है। वापस से हम इसकी रिपोर्टिंग कर देंगे। टिकरी मैंने रख दी है और अच्छे खासे ड्रेनेज मेरे बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसकी जड़ें और नीचे जो मूंगफली के छिलके मैंने भर रखे थे वो हम वापस भर देंगे, क्योंकि ये आधे दूधे डिकम्पोस्ट हो चुके हैं, तो अब बहुत जल्दी ये फुल्ली डिकम्पोस्ट हो जाएंगे और खाद में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे इसकी वजह से, मूंगफली के छिलके की वजह से कभी भी प्लांट में फंगस नहीं लगता है, क्योंकि एकदम से हार्डी जो चीज़ होती है ये। और अब गर्मियों में ये जो है
प्लांट के लिए बहुत ही बेहतर होगी। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें सरसों खली डाल देंगे। दोस्तों प्लांट ख़राब हो रहा है, अगर हम बीमार हो रहे हैं, अगर हम खाना वगैरह नहीं खाएंगे, पौष्टिक चीज़ें नहीं खाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर कमज़ोरी आती है। वैसे ही प्लांट के साथ होता है, तो प्लांट के लिए भी खाना ज़रूरी होता है। और ये है सरसों खली, जिसमें ढेर सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब बहुत सारे जो प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ें इसमें होती है। तो दोस्तों ये हम बिल्कुल नीचे वाले तले में रखेंगे, और उसके बाद मैंने इस पर थोड़ी सी गोबर खाद ले ली है। आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी में क्यों नहीं मिक्स किया है, तो मैं मिट्टी में इसलिए मिक्स नहीं कर रही हूँ कि अभी अभी हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो रहा है, तो उसकी जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे जो है इसको फर्टिलाइज़र मिलता जाएगा। तो वापस से मैंने मिट्टी से इसको कवर कर दिया है। ये अच्छी खासी डिकम्पोस्ट में क्या कहूँगी, ये मेरे पास उपले की खाद है, मैंने जो है ये काउडंक नहीं मंगाया है, ये मेरे पास उपले की खाद है। और इससे भी हम मिट्टी को बिल्कुल हटा देंगे। ये देखिए मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हुए हूँ और एक हाथ से मैं बता रही हूँ, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये इतनी बेदर्दी से इस प्लांट को जो है कर रही है। मैंने थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ा दिया है वीडियो की। अब क्या करना है, ये देखिए ये है राख। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुलाब के पौधों के लिए राख सही नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, फंजीसाइड है, और ढेर सारे इसमें जो जो ज़रूरत होती है पौधों की सब है। तो ऑर्गेनिक है खास, तो अगर जड़ों में फंगस लगा होगा तो इस प्लांट जो हमने राख डाली है उडेश डाली है, उडेश भी आप ले सकते हैं, और जो कंडे की राख होती है वो भी आप ले सकते हैं। अब क्या करना है, ये है हल्दी, और हल्दी का मैंने पेस्ट बना लिया है। जो भी ये देखिए जड़ें कुछ मेरे को सूखी सूखी लग रही है, तो इसको भी हम हटा देंगे जल्दी ही, लेकिन हमें पहले फंगस का जो है इंतज़ाम करना है। क्या करना है, मैंने पेस्ट बना लिया है हल्दी का, और हल्दी के पेस्ट को ब्रश की सहायता से, हाथ से मत लगाइए, फंगस लगा हुआ है तो इससे भी ये फंगस हमारे शरीर में भी जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके पास ग्लव्स हो तो वो भी पहन सकते हो, या फिर आप गार्डनिंग का काम करने के बाद अच्छे से हैंड वॉश ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, आप सोच रहे होंगे इतनी तो सभी समझते हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो सिर्फ पानी से हाथ धो लेते हैं। इस तरह से मैंने वो आता है ना गाना, हल्दी लगाओ रे बदन चमका, और है वैसा ही चल रहा है। अच्छा खासा सा हल्दी मैंने इस पर लेप दी है, कि इसके जो एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं इसके अंदर, हल्दी के अंदर, उससे जो इसके प्लांट पर जो बैक्टीरिया लगे हैं, ख़राब बैक्टीरिया फंगस के साथ, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और अच्छे से इसके तने पर, और जो इनके हमने टहनियाँ हटाई है उनके मुंह पर, और सभी दूर अच्छे से हमको ये लगा देना है। ये देखिए, और जड़ों के लिए हमने क्या इंतज़ाम कर दिया है, जड़ों के लिए हमने नीचे राख, ये भी बहुत ही अच्छा एंटी फंगल है। तो अगर आप चाहें तो केमिकल युक्त भी ले सकते हैं, जो केमिकल से बने होते हैं उनका असर जल्दी होता है, लेकिन दोस्तों उससे क्या होती है कि जो हमारी मिट्टी है वो बंजर होने लग जाती है धीरे धीरे। वैसे मैं ये भी नहीं बोलती कि मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। वापस से हम मिट्टी से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये लिया है मैंने दालचीनी पाउडर। दालचीनी पाउडर जो है गुलाब के पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट माना गया है, और इसके साथ ही दोस्तों इसकी खुशबू जो होती है वो चींटियों को भी हमारे प्लांटर से दूर रखती है। सादी मिट्टी मैंने ले ली है, जड़ों के यहाँ पर हमें बिल्कुल सादी मिट्टी का यूज करना है। जो गार्डन सोइल है जो मैंने अच्छी खासी धूप में सुखा कर रखी हुई है, धूप में सुखाकर जो भी हम गमले से मिट्टी निकालते हैं तो उनको पहले अच्छे से धूप में मिट्टी धूप दिखा देना है, जिससे क्या होता है कि इसके अंदर जो ख़राब बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाते हैं और मिट्टी एकदम से रिचार्ज हो जाती है। तो दोस्तों
ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये है मेरे पास नीम खली, तो ये मैं थोड़ा सा मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी। दोस्तों बहुत जल्दी इसका जो है अपडेट मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि अपडेट जानना ज़रूरी है, तभी जो है लोग मानते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है। और दोस्तों ऑर्गेनिक